हरियाणा बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। रद्द हो चुकी बोर्ड परीक्षाएं 4 से 6 अप्रैल तक होंगी। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, उनकी पुनः परीक्षा होगी। अब 4 से 6 अप्रैल तक ये परीक्षाएं ली जाएंगी। 10वीं की पुनः परीक्षा में करीब 4088, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 2395 परीक्षार्थी लेंगे भाग। 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 4 से 6 अप्रैल तक होंगी। रद्द हुए विषय उर्दू, रसायन विज्ञान, लेखांकन, हिंदी और राजनीतिक विज्ञान की पुनः परीक्षाएं 5 अप्रैल और अंग्रेजी विषय की परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। ये 12वीं की है दोस्तों, जबकि 10वीं की पुनः परीक्षा अंग्रेजी, गणित और शारीरिक शिक्षा और हिंदी की होगी। ये 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करें। परीक्षा का समय 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। गणित विषय की परीक्षा में 29 नकलची पकड़े गए। टेंडर नहीं होने के कारण अटकी बोर्ड के पेपरों की मार्किंग, परिणाम आने में हो सकती है देरी। अब मामला हाई पावर कमेटी के पास पहुंचा, मंजूरी मिलने पर शुरू होगा काम। मार्किंग्स रुक गई है, जिसकी वजह से 10वीं 12वीं की मार्किंग नहीं की जा रही। इनका परिणाम लेट हो सकता है, परिणाम लेट आएगा। तीसरी और छठी की किताबों के पैटर्न में होगा बदलाव। 12वीं गणित की परीक्षा में पकड़े 29 केस। 12वीं कॉमर्स की परीक्षा में नकल के 9 केस मिले, 4 पर्यवेक्षक रिलीव किए गए। गुरुवार को 12वीं का कॉमर्स संकाय में उद्यमशीलता का पेपर था। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड सचिव के उड़न दस्तों ने भिवानी और चरखी दादरी में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां पर 9 मामले दर्ज किए गए।